नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराह खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन मोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदु सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराह खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूँकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बाल नृत्य मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हजबैग खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन एक और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक ख़ान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया साल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यार्ज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शार पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चेंबर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक, एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया साल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हजबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक, एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूँकि कमरा नो सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया साल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहाँ जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यस्टार्ज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमार धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकेती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन एक और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक ख़ान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शार पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हजबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराह खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हजबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन एक और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक ख़ान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बाल नृत्य मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन एक और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराह खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन मोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन एक और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदु सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराह खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का, का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डैक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैग खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन एक और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक ख़ान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक, एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराह खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यार्ज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो, में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शार पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चेंबर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक, एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज yeah फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया साल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हजबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नो सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया साल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहाँ जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमार धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक, एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक ख़ान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शार पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराह खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हजबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक, एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए ही हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बाल नृत्य मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराह खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन मोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदु सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराह खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डैक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैग खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन एक और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी नेट को, तो को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराह खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यार्ज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शार पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकेती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चेंबर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक, एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आई पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटन टोमेटोज़ की तरफ़ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैम्पियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया साल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डके में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहाँ जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे सीज एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक, एक एक्शन और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यशराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमा धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डैक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूँकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेतें के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया साल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और खुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहाँ जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैग खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन एक और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंदर तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है फराक खान ने और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट डेढ़ सौ करोड़ रुपये है और दोस्तों बात करें इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ चौरानवे करोड़ रुपए है दोस्तों बात करें इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यस्टराज फिल्म की तरफ से और दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को गूगल यूज़र्स की तरफ से सेवेंटी वन परसेंट लाइक किया गया है बात करें इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से पाँच की दमदार रेटिंग दी गई है और दोस्तों इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से फिफ्टी थ्री परसेंट लाइक किया गया है और बात करें दोस्तों इस मूवी में मुख्य कलाकार आपको शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह जेकी श्रॉफ आदि मुख्य कलाकार भूमिका निभाते हुए नज़र आने वाले हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी चंद्रमोहन चार्ली शर्मा एक स्ट्रीट फाइटर है जिन्हें शालीमार सिक्योरिटी के मालिक चरण ग्रोवर के बदला लेने की साजिश में आठ साल बिताए जो चार्ली के पिता मनोहर के चोर के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद में डालने के जिम्मेदार था यह जानकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पचास मिलियन डॉलर के हीरे दुबई के किसी नीचे शालीमार के एक तिजोरी में लाए जाएंगे चार्ली ने पुराने हीरे ग्रोवर को फ्रेम कराने की योजना बनाई वह एक टीम तैयार करता है जिससे कम सुनने वाले ताकतवर और विस्फोटक विशेषज्ञ जगमोहन प्रकाश जप्ती तमेहन ईरानी जग का भतीजा और मास्टर हैकर रोहन सिंह नंदू भिड़े शामिल है जो ग्रोवर के बेटे विक्की को सामान दिलाता है जग और टैमी भी ग्रोवर से नाराज़ है जिन्होंने अवैध तिजोर में शालीमार के निर्माण के लिए अपने पिता से सामान मनोहर का काम किया करता था फिर अपने ही चुराए हुए हीरे और मनोहर की बीमार धोखाधड़ी से योजना में फंसा दिया चार्ली की योजना कुंजी होटल के कमरे नौ सी में प्रवेश करता है जो एक परिकक्त डेक्ट और सेवर प्रणाली द्वारा तिजोरी से जोड़ा चुका है चूंकि कमरा नौ सी विश्व नृत्य में भाग लेने वाली टीमों का आरक्षित है इसलिए समूह को अपनी डकेती के लिए तैयार किए गए एक विश्व स्तरीय नृत्य टीम बनाना होगा समूह के कई नृत्य प्रशिक्षकों को रखने में असफल होने के बाद नंदू ने चार्ली को एक बार मराठी बार नृत्य की मोहिनी से मिलवाया जो चार्ली की अंग्रेजी में निपुण और प्रभावित है मोहिनी उनके असली इरादों का जाने बिना समूह नृत्य दिखाने के लिए सहमत हो जाती है और चाली के करीब बढ़ती है जजों को ब्लैकमेल करने टीम डांस प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर लेती है इंडिया फाइनल में उनका ख़राब स्वागत हुआ लेकिन रोहन ने वेटिंग सिस्टम में हैक कर लिया और उनके पहले स्थान पर रख दिया दुबई में उनका स्वागत और भी अधिक होता है विशेष रूप से टीम उत्तर कोरिया की ओर से जो मौजूदा चैंपियन है ग्रोवर द्वारा प्रायोजित किया जाता है टीम यह जानकर हीरे की क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या और आगे जिससे पहले दौर में बाहर होने की उनकी योजना विफल हो जाएगी हालांकि टीम इंडिया की प्रसिद्धि जजों को बनाने के लिए रूप में फाइनल लूप ले जाती है नया शाल पूर्व संध्या से पहले मोनी यह जानकर क्रोधित हो जाती है कि केवल हीरे चुराने के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी चार्ली ने उसे पूरी कहानी बताई और ख़ुलासा किया कि ग्रोवर द्वारा अपील करने के बाद अवसरों को बर्बाद करने के बाद मनोहर की जेल में मृत्यु हो गई थी दूसरों के दृढ़ संकल्प और प्रेरित होकर मोहिनी ने डकैती में शामिल होने की सहमत हो जाती है अंतिम राउंड में रात मोहिनी विक्की के साथ फुसलाकर लिफ्ट में ले जाती है जहां जग और नंदू उसे बाहर गिरा देते हैं प्लास्टर का उपयोग करके उसके अंगूठे का निशान बना लेते हैं नंदू सुख विक्की बन जाता है और तिजोरी के चैम्बर में खोल ताला उसके बीच घुस जाता है चार्ली और टैमी कमरा नंबर नौ सी में माध्यम के रूप से सुरक्षित कमरे में घुस जाते हैं और टैमी तिजोरी को तोड़कर हीरे अप्रत्यक्ष रूप से एक छोटी अटूट तिजोरी में रख दिए जाते हैं लेकिन चार्ली को बाद में पता चलता है कि मनोहर को बनाया गया था मास्टर पासपोर्ट के रूप में उसे अपना नाम अनलॉक कर देता है चार्ली और टीम तिजोरी पानी भरकर उसे शीर्ष एक हचबैक खोल जाते हैं तो दोस्तों यह है एक एक्शन एक और ड्रामा मूवी है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी भाषा में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं मिलते हैं ऐसी ही दमदार और अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद